आप अपना मन जल्दी से फिरा लें, यीशु मसीह जी आने वाले हैं। क्या यीशु आने वाला है? मुझे कितने साल हो गए हैं, अब तो 2021 भी निकल गया और 2022 भी आ गया। आओ हम चलें, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। ये सब नाशवान चीजें हैं, पकड़ो और मारो इसको, ये चुप नहीं करता। कितनी बार तुम्हें समझाया है, तुम फिर भी यहाँ से जाते नहीं। आइए देखते हैं स्वर्ग और नरक की कहानी। सुनील नाम का एक लड़का, वह परमेश्वर पे बहुत विश्वास करता था और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता था। आओ देखते हैं, रास्ते में सुनील को दो औरतें मिलती हैं। सुनिए सिस्टर जी, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब संसार के कामों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मन लगाएं, क्योंकि परमेश्वर जल्दी ही आने वाला है। इसलिए हम अपने पापों से मन को फिराएं, हम सब पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। क्या बकवास कर रहे हो? हमने कौन से पाप किए हैं? हम किस बात की माफी मांगे? हम तो पैदा ही पाप से हुए हैं, हमारे खून में पाप है, इसलिए हम सब पापी हैं। सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही पवित्र है, क्योंकि वह पाप से नहीं शब्द से पैदा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह का लहू पवित्र है, जो हमें सब पापों से मुक्ति देता है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, फिर आप अपने पापों से माफी पाओगे और आप स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे। क्या इस तरह हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे? आओ हम चलें, ये तो बकवास किए जा रहा है, पता नहीं क्या क्या अनाशना बोले जा रहा है। वे दोनों औरतों में से एक औरत वहाँ खड़ी रहती है। आइए देखते हैं वे सुनील से क्या बोलती है। क्या अगर मैं सचमुच प्रभु यीशु पर विश्वास करूं, तो क्या मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? जी हाँ। तो ठीक है, मैं प्रभु यीशु पे विश्वास करती हूँ। ठीक है, आप मेरे पीछे बोलिए। ठीक है। हे प्रभु, मैं अपने सारे गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ। हे प्रभु, मैं अपने सारे गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी सच्चाई को जान चुकी हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी सच्चाई को जान चुकी हूँ। एक आप ही हो जो हमारे पापों और गुनाहों को माफ कर सकते हो। एक आप ही हो जो हमारे पापों और गुनाहों को माफ कर सकते हो। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ आप ही हमारे गुनाहों और पापों को माफ कर चुके हो। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि आप ही हमारे गुनाहों और पापों को माफ कर चुके हो। आमीन। आमीन। फिर सुनील आगे चला जाता है। फिर आगे जाकर सुनील को तीन लड़के मिलते हैं और वह ताश खेल रहे होते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। भाई साहब, आप जहाँ ताश खेल रहे हैं, आइए मेरे साथ अपने मनों को फिराओ। और हमने आज तक जितने भी
गुनाह किए हैं उन सब से तौबा कर लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। वह समय नज़दीक है हम सब अपने गुनाहों और पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मन लगाएं। भाई साहब जी, क्यों हमारा दिमाग खराब कर रहे हो? बार बार यही बात बोलकर कह रहे हो कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, जाओ यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छी बात नहीं होगी। भाई साहब, आप अपने पापों से तौबा करो, अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि आप बचाए जाओगे उस नरक की आग से। भाई साहब, आप ये जो आप कर रहे हो ये सब नाशवान चीजें हैं। पकड़ो और मारो इसको, ये चुप नहीं करता। कितनी बार तुम्हें समझाया है, तुम फिर भी यहाँ से जाते नहीं। सुनो सुनो, ये सच कह रहे हैं। अब तुमको क्या हो गया? अब किस काम में पड़ने लगे हो? यह तो बकवास कर रहा है। तुम किसके पीछे लगने लगे हो? अब तुम भी ईसाई बनने जा रहे हो? मैं ईसाई नहीं, मैं तो सही रास्ता पकड़ने जा रहा हूँ। फिर वहां से दो लड़के चले जाते हैं और एक लड़का परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लग जाता है और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानने लग जाता है। फिर सुनील थोड़ा और आगे जाता है। फिर सुनील को दो लड़के और दो औरतें मिलती हैं। आइए देखते हैं आगे। सुनो भाई जी, सुनो सिस्टर जी, मेरा नाम सुनील है और मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हैं? हाँ जी, बोलिए। प्रभु यीशु मसीह जी आने वाले हैं, आप अपने पापों से और गुनाहों से मन को फिराएं, क्योंकि उसका समय नजदीक है। यीशु मसीह जी जल्दी आने वाले हैं। प्लीज भाई साहब जी, आप अपना मन जल्दी से फिरा लें, यीशु मसीह जी आने वाले हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, आप बचाए जाओगे, आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे। क्या यीशु आने वाला है? मुझे कितने साल हो गए हैं, मुझे यह बात सुनते सुनते एक ही बात आप बार बार बोलते जा रहे हो। कितने साल हो गए, आपका यीशु तो आया नहीं। अब तो 2021 भी निकल गया और 2022 भी आ गया। आओ हम चलें, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। कभी नहीं आना आपके प्रभु यीशु मसीह ने, ये तो हमें मूर्ख बना रहा है। उनमें से एक औरत और एक आदमी चला जाता है। उनमें से एक आदमी और एक औरत अपने पापों से और मन फिरा लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। हमको क्या करना पड़ेगा अपने पापों से मन फिराने के लिए? आपको प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना पड़ेगा। आप अब मेरे पीछे बोलिए। ठीक है भाई साहब जी। हे प्रभु यीशु, मैं आपका अंगीकार करती हूँ और करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपका अंगीकार करती हूँ। आप हमारे पापों के लिए सलीब पर चढ़ाए गए। आप हमारे पापों के लिए स्लीप पर चढ़ाए गए। क्योंकि हम सब लोगों के गुनाह माफ हो जाएं। क्योंकि हम सब लोगों के गुनाह माफ हो जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें बहुत सारा प्रेम करते हैं। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर के
वचन को सुनकर अपना मन फिरा लेते हैं, वे लोग प्रार्थना में बने रहते हैं। जो लोग अपने मनों को नहीं फिराते, वे लोग अपने अपने संसार के कामों में लगे रहते हैं। फिर अंत का समय आ जाता है, फिर परमेश्वर के सिंहासन के सामने सभी का न्याय किया जाता है। आइए देखते हैं आगे। परमेश्वर के लिए अपनी जान को लुटाने वाला व्यक्ति, जो कि हर हालातों में परमेश्वर का वचन सुनाता है, वो औरत जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानती है, वो औरत परमेश्वर का वचन सुनकर अपना मन संसार के कामों से हटाकर परमेश्वर को अपना उद्धार करता मान लेती है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों का मजाक उड़ाता था, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने मन को बुरे कामों से फिराता है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर के दासों को जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और उनसे मारपीट करता है,